हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं मैट फॉर न्यूज़पेपर्स पार्ट 12 के साथ। पहले ही स्लाइड में आपको चार क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन नागा पीस अकॉर्ड। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज़ दो नागा पीस अकॉर्ड इज़ डिज़ायरेबल बट द सीक्रेसी बिहाइंड इट्स टर्म्स, ठीक है, हैज़ क्रिएटेड एप्रीहेंशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स डिस्कस इन बैकग्राउंड ऑफ द नागालैंड इशू। सो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले अगर आपको नागालैंड इशू की अच्छी नॉलेज है तभी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट डू रीड अबाउट इट इन डिटेल। ओके, सो द सो हाउ आर वी गोइंग टू अटैम्प्ट इट। सो इंट्रोडक्शन, ठीक है, सो वी विल गो अप टिल द प्रेजेंट 2015 अग्रीमेंट। ओके, सो द पीपल ऑफ नागालैंड दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द इंडियन मेनलैंड और म्यांमार प्रायर टू द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश के आने के बाद ही बेसिकली जो नागालैंड है उसको ऐसा माना गया कि वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। बट अगेन ऐसा बोला जाता था जब वो इंडियन मेनलैंड के साथ ही कनेक्टेड नहीं है तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई द नागा नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस दे यू नो बिगैन टू टेक शेप एंड इट वॉज मच बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, कब? बेसिकली जनवरी 1929 में सबसे पहले नागा क्लब वॉज फॉर्म्ड। नागा क्लब क्या, नागा क्लब ने क्या किया, ये बेसिकली साइमन कमीशन के आगे अपनी रिकमेंडेशन लेके गया एंड दे डिमांडेड देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड। सो साइमन कमीशन ने कहा कि हम आपके जो नागा इनहेबिटेड एरियाज हैं उसको एक्सक्लूडेड एरियाज का नाम दे देंगे अंडर GOI एक्ट ऑफ 1935, बट हाँ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला। ठीक है, सो 1939 टू 1945 उन्होंने कैंपेन किया इंडिपेंडेंस ऑफ नागालैंड, राइट? सो दैट वॉज नागा क्लब। अब क्या हुआ, नागा क्लब तो एक रिप्रेजेंटेशन लेके गया या कॉज को या कैंपेन करने के लिए था। उसके बाद NNC बना था, ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल, विच वॉज अ पोलिटिकल ग्रुप। ठीक है, इट वॉज अ पोलिटिकल ग्रुप, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ इमटी फीजो एंड फ्यू अदर्स हु वर ऑल द मेंबर्स ऑफ द नागा क्लब। ठीक है, सो नागा क्लब से ही NNC निकला था बट इट वॉज अ पोलिटिकल ग्रुप। अब NNC ने क्या किया, दे एक्चुअली डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द नागा पीपल ऑन August 14th, 1947, दैट इज अ डे बिफोर इंडिया गेन्ड हर इंडिपेंडेंस। बट अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, अब अकॉर्ड वॉज साइंड विद द देन एग्जिस्टिंग प्रिंसली स्टेट्स एंड कॉलोनीज इन इंडिया। ठीक है, बट ऑब्वियसली जो ये अकॉर्ड साइन हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट एक्चुअली डिडंट मीट द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ सेवरल एथनिक ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या, दे लॉन्च्ड वेरियस इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, राइट? उसी तरह से 1951 में NNC ने क्या किया, NNC ने इतना प्लेबिसाइट करवाया जिसमें कि 99% ऑफ द नागा पीपल दे सपोर्टेड द कॉज फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड। बट नेहरू ने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंट नागालैंड की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इन रिटर्न द NNC दे लॉन्च्ड अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस, दे बॉयकॉटेड इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952। उसका क्या रिजल्ट था, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट वॉज इम्पोज्ड इन नागालैंड, इट वॉज अंडर मार्शल लॉ, राइट? फिर उसके बाद 1956 में क्या हुआ कि जो NNC थे दे इनॉग्रेटेड देयर ओन गवर्नमेंट FGN, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। सो इट वॉज एन आर्म्ड ऑपोजिशन मूवमेंट। अब क्या हुआ, अब देयर वॉज NPC वॉज फॉर्म्ड, नागा पीपल्स कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड टू नेगोशिएट पीस बिटवीन द टू वॉरिंग फैक्शंस, दैट इज NNC एंड द गवर्नमेंट, राइट? तो इसका क्या रिजल्ट था, 1963 में फाइनली नागालैंड को स्टेटहुड मिल गया, बट एट द सेम टाइम जो इश्यू था नागा सॉवरनिटी का दैट स्टिल persisted. ठीक है, तो दिस इज अप टिल हाउ नागालैंड अटेंड स्टेटहुड इन 1963। अब उसके बाद क्या हुआ, अगेन सॉवरनिटी का जो डिमांड थी वो तो इंडिपेंडेंट नागालैंड की जो डिमांड थी वो तो फुलफिल नहीं हुई। तो 1972 में NNC, FGN एंड नागा आर्मी वर डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1967। ठीक है, सो इनको ये डिक्लेयर कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोस्ट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट, जिसको आफ्सपा भी कहा जाता है, ठीक है, 1972 में। अब काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ, ठीक है, नागा रेजिस्टेंस का। सो इट एक्चुअली पोस्ट सो मच प्रेशर ऑन द NNC एंड द FGN दैट दे हैड टू कंसीड, ठीक है, दे डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ले डाउन आर्म्स एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ, रिजल्टिंग इन द शिलोंग अकॉर्ड ऑफ 1975। ठीक है, सो दिस इज हाउ शिलोंग अकॉर्ड ऑफ 1975 वॉज साइंड। अब इसके बाद क्या था, शिलोंग अकॉर्ड साइन हो गई बट कुछ फैक्शंस थी जो दे डिडंट एक्सेप्ट इट, ठीक है,
उसकी वजह से जो हमारे पास एनएनसी थी या एफजीएन थे उनमें लोगों में आपस में डिफरेंसेस हुए एंड इट एक्चुअली लेड टू वेरियस अंडरग्राउंड ग्रुप्स. वो बेसिकली एक उनमें सा एनएससीएन विच वॉज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड फॉर्मड अंडर खापलांग टीमिंग अप विद आईसाक एंड मुवाया. ठीक है, सो दिस वॉज इन 1980. अब 88 में एनएससीएन भी स्प्लिट हो गई आईएम और के में. ठीक है, फर्दर डिफरेंसेस आए तो वो फर्दर स्प्लिट हुआ 1988 में. खापलांग ने अक्यूज किया जो आईसेक और मुवाया है दे हैड एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट टू रिजेक्ट द नागा सॉवरेनिटी. बेसिकली जो आईएम है उनको थोड़ा लिबरल माना जाता था. ठीक है, उन्होंने रिकॉग्निशन गेन की इंटरनेशनल लेवल पे एंड दे स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन द यूएन गैदरिंग. सो दैट वाज द रीजन फॉर द स्प्लिट. राइट, इन 1997 द गवर्नमेंट of India initiated a dialogue with IAM and ceasefire was announced with effect from 19 August 1997. Okay, IAM also called for the cause of a greater Nagalim. अब greater Nagalim में problem क्या है कि वो Nagaland के areas तो हैं, उसके अलावा जो बाकी states हैं जैसे Assam, Arunachal, Manipur, उसके parts को भी include करता है और Myanmar which is another country उसके part को भी include करता है. That is what they want a greater Nagalim. अब क्या हुआ 2015 में ना इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था बट जो इसकी टर्म्स थी कंडीशंस थी क्या है ये अग्रीमेंट दैट वाज नेवर मेड पब्लिक. ठीक है, सो द सीक्रेसी विच इज हैज सराउंडेड दिस अकॉर्ड दिस अग्रीमेंट. ठीक है, दैट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड यू नो इंक्रीज द लॉट ऑफ एप्रीहेंशन अमंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स. ठीक है, स्टेक होल्डर्स में कौन आती है, डिफरेंट स्टेक्स द पीपल ऑफ नागालैंड. ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं पता स्पेशली म्यांमार को भी नहीं पता. ठीक है, सो आफ्टर ऑल शुड द सेंटर एक्सेप्ट द की नागा डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालैंड यूनाइटिंग ऑल दी नागा डोमिनेटेड एरियाज. ठीक है, सो अगर वो ऐसे करते हैं तो इट विल एक्चुअली इनवाइट द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इनटू ट्रबल. सो द सेंटर कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू एले पीपल्स एप्रीहेंशन बाय सिंपली स्टेटिंग दैट द रेजोल्यूशन ऑफ नागा इशू वोंट इम्पिंच ऑन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी अदर स्टेट. ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दे हैव टू एक्चुअली मेक द the accord public. ठीक है, तभी उनकी apprehensions कम होंगी. And again, redrawing state borders, that is not feasible. ठीक है, so and keeping people in suspense over the Naga negotiations isn't helping either. ठीक है, so this is your question, right? So अब वही है कि जो framework है we should actually make it public, right? So that's your question GS1 ka. Next hai GS2. So it is on India-ASEAN relationship, right? So let's start. So pehle hum introduction denge. So India's relationship with ASEAN is a key pillar of our foreign policy and it is the foundation of our Act East policy, right? So ab kya hua tha? Ab हमारा जो रिलेशनशिप था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ 2012 में. सो इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन टू द ग्राउंड कवर्ड सिंस इंडिया बिकेम अ सेक्टोरल पार्टनर ऑफ द आसियान इन 1992. ठीक है, सो हम पहली बार आसियान के मेंबर 1992 में बने थे एंड देन वी बिकेम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन 2012. ठीक है, सो ये हुई है डायलॉग पार्टनर मतलब 1996 में समिट 2002 में. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज 1992 एंड 2012, राइट. सो अभी हमारे ना 30 डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं कटिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स. और अभी लास्टली क्या हुआ है कि 25 इयर्स है ना ऑफ आसियान इंडियन पार्टनरशिप रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, 1992 से अगर हम 2017 देखें तो 25 इयर्स दे हैव बीन कंप्लीटेड. तो एक कमोरेटिव समिट भी हुआ था और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो आसियान के 10 आसियान के लीडर्स हैं दे वर इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट एट द 69th रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया, राइट. सो दिस इज यू कैन गिव अ सर्टेन इंट्रोडक्शन. देन अगर हम देखें बेनिफिट्स क्या है, देखो इंडिया का जो ट्रेड है वो 76 USD है. बट अगेन ये ना अगर आप अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स, उसके बाद चैलेंजेस और फिर कंक्लूजन. ठीक है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वी गेट अ लॉट ऑफ ट्रेड फ्रॉम देयर. ठीक है, 76 USD. बट अगेन ये कहा जाता है चैलेंज में कि इट इज़ वेल बिलो पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैव मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स. ठीक है, आसियान इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इंडिया इज आसियान्स 7. ठीक है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बैलेंस नहीं है. और उसके बाद 20% ऑफ इंडियाज आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स दे गो टू आसियान. सो आसियान इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट लेड बाय सिंगापुर. आसियान इज
इज इंडियाज लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इंडिया का भी लीडिंग सोर्स है और इंडिया के आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स भी जाते हैं. उसके बाद इंडियाज FTA इन द रीजन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अमंग द मोस्ट एम्बिशियस एनीवेयर. उसके बाद जो हमारे एरियाज हैं, देखो अगर आपको आसियान को डिटेल में करना है ना, तो अगर हम काउंटर टेररिज्म की बात करें इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, सो ट्रेड पे बात करें है ना, उस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है. कनेक्टिविटी पे बात करें, ठीक है, उस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है. सो आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दिस क्वेश्चन इज ब्रॉडर क्वेश्चन, तो हम सब कुछ ब्रॉडर टच कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव लॉट ऑफ कॉमन एरियाज, लेट्स से स्पेस, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी. देन इंडियाज ग्रोइंग रिलेशन with ASEAN should also be looked in the light of China's boundary disputes with a number of ASEAN countries. ठीक है, क्योंकि इंडिया के भी disputes हैं चाइना के साथ और ASEAN countries के भी हैं. So when we'll have a growing partnership with ASEAN, it might actually help India to counter the growing presence of China. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो. उसके बाद soft power तो है India's Act East policy की. ठीक है, that also can act as a bridge connecting the two regions. ठीक है, so soft power वाला aspect भी है, right? उसके बाद अगर हम challenges की बात करें, देखो अब फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज में है ना डेमोक्रेसी नहीं है, फोर्सेस लाइक इन कंट्रीज लाइक म्यांमार, थाईलैंड. देन गोल्डन ट्रायंगल है विच इज़ अ हब ऑफ इलीगल ओपियम ट्रेड. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो यू नो कॉज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. ठीक है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा. देन जो हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है, अब इनकी भी इम्प्लीमेंटेशन डिलेड है, स्लो है. ठीक है, सो ये भी इश्यूज है. उसके बाद चाइना always has this first mover advantage. ठीक है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी आसियान में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है जो उसकी कंट्रीज हैं. देन चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स इन द ऑयल एंड गैस रिच साउथ चाइना सी इज ऑल्सो अ इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड रूट. ठीक है, अब ये भी एक इशू है कि जो चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, ठीक है, अब वो बेसिकली जो आसियान की कंट्रीज है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है. ठीक है, सो दैट कैन बी वन थिंग. उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, तो हम फुल अपना जो पोटेंशियल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो भी फुली रियलाइज नहीं कर पाते. बट हाँ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रियलाइज करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा. सो दोनों तरह से हम इस पॉइंट को पुट फोर्थ कर सकते हैं. सो you can actually conclude that we need to improve relations with ASEAN. Ticket will give boost to our Act East policy and so we need to consolidate our relations with ASEAN, right? Next question is, the ECO survey has laid out the roadmap to revive investment. In context of the statement, explain the challenges faced by India with respect to investment रिवाइवल. ठीक है, सो क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में हमें बात करना है. कॉन्टेक्स्ट है, देखो इको सर्वे हैज़ बीन रिलीज्ड एंड इट इज़ वार्निंग दैट इंडिया मस्ट कंटिन्यू इम्प्रूविंग द क्लाइमेट फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. सो बेसिकली दो चीज़ें हैं, अगर हमें रैपिड इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ाना है या कंटिन्यू रखना है तो उसमें दो चीज़ें हैं. देर आर टू सस्टेनेबल इंजन्स, वन इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड दी अदर इज़ एक्सपोर्ट्स, राइट. अब हमने बेसिकली बात करनी है इस क्वेश्चन में कि क्या चैलेंजेस हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे या अपने फुल पोटेंशियल पे रिवाइव नहीं कर पा रहे, राइट. सो देखते हैं, पहला है ऑयल प्राइसेस. ठीक है, सो ऑयल प्राइसेस दे मस्ट नॉट इंक्रीज और स्पाइक. ठीक है, इफ़ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ इज़ टू बी रिटेन्ड. ठीक है, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो हमारी ग्रोथ है उस वो जेपर्डाइज होगी, राइट. ओके, उसके बाद स्ट्रेस्ड असेट्स इन बैंक्स पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स के लिए चैलेंज है क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स में स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, NPAs हैं. ठीक है, तो अगर बैंक में ये चीज़ें होंगी सो दे विल हैव लेस मनी टू इन्वेस्ट और एक तरह से आप ले लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं रहेगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डेट्स है कंपनीज के, इन पर्टिकुलर दोस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. ठीक है, सो द सर्वे हैज कॉल्ड दिस अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. देन फंड्स लेके आना कि रिकैपिटलाइजेशन हो सके वो भी मुश्किल है. ठीक है, देन 4 hours जैसे हमने किए थे ऑफ बैंकिंग, ठीक है, उसमें से जो 4th hour था वो रिफॉर्म था, राइट. That is a major issue. That is a major challenge. उसके बाद जो populist politics हैं, the trend of the populist politics in the past few years has been implicitly anti-capital. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है
सॉरी इफ द गवर्नमेंट इट काइंड ऑफ यू नो फेवर्स एनी कैपिटलिस्ट, जैसे अभी अदानी या अंबानी को फेवर करते हैं, सो ऑपोजिशन पार्टीज जो पार्टी इन पार है उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं एट्सेट्रा. तो जो इको सर्वे है वो ये कहता है कि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो एक तरह से आप वो जो जो लेट्स से जो ये कैपिटलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करेंगे तो इट विल एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स, है ना, क्रिएट जॉब्स एट्सेट्रा. तो एक लोग जैसे वही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर काइंड ऑफ स्केर्ड टू यू नो साइड वेज विद टू साइड वेज टू उनके साथ एक तरह से उनकी साइड लेने में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दी आइडिया इज़ कि आप कैपिटलिज्म कि आप कैपिटल के एंटी ना हो, ठीक है, यू शुडेंट बी एंटी कैपिटल बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. सो ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हैं कि एंटी कैपिटल हो जाओ आप, ये भी गलत है, ये भी एक तरह से चैलेंज है इन इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है. सो द वर्ड यूज बाई सर्वे इन दिस इज स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, कि आप इन कैपिटलिस्ट को स्टिग्मेटाइज करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है. सो इफ यू आर नॉट हैविंग द कोऑपरेशन ऑफ द कैपिटल, नो ग्रोथ रिवाइवल इज एवर पॉसिबल. उसके बाद अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स इन 2018, ठीक है, एंड इन द ईयर्स ऑफ हाई ग्रोथ प्रायर टू 2008 क्राइसिस. तो ये कह रहे हैं कि 2008 से पहले पीपल दे हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, दे वॉन्टेड टू इन्वेस्ट, ठीक है. अब क्या है, अब एवरी वन इज सो स्केयर टू इन्वेस्ट दैट दे डोंट इवन इन्वेस्ट इन गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है. सो दिस एटीट्यूड हैज टू बी चेंज्ड. सो इट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज इन इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, ठीक है. सो अगर इन्वेस्टमेंट होगी, ऑब्वियसली ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग सेक्टर एंड वॉट नॉट, एंड दैट इज वाई इट इज नीडेड, ठीक है. सो इंडिकेट दैट वॉट मैटर्स फॉर द रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इज इन्वेस्टमेंट. सो वी नीड टू इन्वेस्ट एंड नॉट सेविंग्स, ठीक है. वी हैव सेविंग्स बट वी नीड टू इन्वेस्ट दोज सेविंग्स फॉर द ग्रोथ रिवाइवल, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एक्शंस लाइक डीमोनेटाइजेशन माइट कॉज अ चेंज इन सेविंग्स बिहेवियर, ठीक है, कि आप ज़्यादा सेव करते हो बैंक्स में डीमोनेटाइजेशन की वजह से, बट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर रिक्वायर्स अ केयरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टर इंसेंटिव्स, ठीक है. तो आपको इन्वेस्टर को इंसेंटिव्स देने हैं एंड वी नीड टू हैव अ लेस एंटी कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जस्ट बिकॉज इट इज़ मोर यू नो पॉपुलिस्ट टू बी एंटी कैपिटल, दैट विल नॉट एक्चुअली हेल्प द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, ठीक है. सो फाइनली हम देखते हैं GS4 का क्वेश्चन. सो डिस्कस द रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडियाज मेटा प्रेफरेंस फॉर सन्स. सो बेसिकली ना पहले क्या होता था, पहले सन की ना प्रेफरेंस थी, ठीक है. जैसे पहले सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस दे वर हैपनिंग, सो लोग क्या करते थे, वो जो फीमेल है, ठीक है, उसका फीमेल फीटिसाइड वॉज प्रेवलेंट एंड ओनली सन्स दे वर अलाउड टू बी बॉर्न, ठीक है. अभी क्या है, अभी बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ है ना एक्ट्स लाइक PCPNDT, तो क्या हो गया कि मेटा प्रेफरेंस हो गई है, ठीक है, कि पीपल दे कीप ऑन हैविंग गर्ल्स अंटिल दे फाइंड अंटिल अ बॉय इज बॉर्न, ठीक है. सो वट आर द रीजन्स एंड वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, फॉर दिस प्रेफरेंस फॉर सन. सो दिस इज अ टॉपिक, दिस इज अ चैप्टर इन इको सर्वे, राइट. सो द फिनोमिनन ऑफ सन मेटा प्रेफरेंस विच इन्वॉल्व्स पेरेंट्स अडॉप्टिंग फर्टिलिटी स्टॉपिंग रूल्स, ठीक है, वो तब बच्चे पैदा करने बंद करते हैं जब दे हैव द डिजायर्ड नंबर ऑफ सन्स, ठीक है. दे कीप ऑन हैविंग चिल्ड्रन अंटिल द नंबर ऑफ डिजायर्ड सन्स आर बॉर्न. अब इको सर्वे ने ही बोला कि एक एवरेज इंडियन फैमिली प्रेफर्स टू हैव टू चिल्ड्रन, ठीक है, बट देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन दे हैव मोर देन फाइव चिल्ड्रन इफ द लास्ट चाइल्ड इज नॉट अ मेल, ठीक है. सो दे विल कीप ऑन हैविंग द चिल्ड्रन अंटिल एंड अंटिल दे गेट द डिजायर्ड नंबर ऑफ सन्स, सो ठीक है. अब इसेंशियली इफ अ सोसाइटी प्रेफर्स सन, ठीक है, दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द देखो अब ये पता कैसे चला कि मेटा प्रेफरेंस है. अब जो सेक्स रेशियो ऑफ द लास्ट चाइल्ड है दैट इज हेवीली स्क्यूड इन फेवर ऑफ बॉयज, ठीक है. अगर हम देखें लेट्स से तीन बच्चे हैं या चार बच्चे हैं, जो तीसरा बच्चा है या जो चौथा बच्चा है वो इनवेरिएबली मेल है, तो इसलिए कहते हैं कि सेक्स रेशियो ऑफ द लास्ट चाइल्ड सिंस इट इज इन हेवीली स्क्यूड इन द फेवर ऑफ बॉयज, सो वी नो दैट देर इज दिस मेटा प्रेफरेंस स्पेशली इन अ सोसाइटी विच प्रेफर्स सन्स, राइट. सो वट आर द रीजन्स, अगेन PCPNDT एक्ट की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन. देखो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस नहीं करवा सकते अब आप, तो द ओनली वे आउट इज टू हैव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो अब क्या होता है, आप यू कीप ऑन हैविंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टिल यू हैव द टिल अ टाइम अ सन इज बॉर्न.
बॉन्ड। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी नहीं है। देखो ये रूरल एरियाज में काफी एक्सप्लिसिट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर द मदर हैज नो ऑटोनॉमी ओवर हर यू नो रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो उनको सुनना ही पड़ता है। इफ शी हैज द प्रेशर फ्रॉम द फैमिली टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड टू अ मेल चाइल्ड, सो शील कीप ऑन हैविंग चिल्ड्रन अंटिल अ मेल इज बॉर्न। उसके बाद हमारे देश में ना रिवर्सिबल कॉन्ट्रोसेप्टिव्स के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अब रिवर्सिबल कॉन्ट्रोसेप्टिव्स क्या होते हैं? द वंस विच कैन बी यूज्ड बाय फीमेल। अगेन ये चीज रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी भी आके रुकती है, ठीक है। अभी इंडिया में क्या है, कॉन्डम्स आर प्रेफर्ड, सो अगेन अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसका भी कंट्रोल मेल्स के पास है, ठीक है। सो क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है कि रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, IUD है हमारे पास ना, आपने सुना होगा इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, कॉपर टी है ना, सो देर आर देर, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अब जॉइंट फैमिली नॉर्म है, ठीक है, लार्ज फैमिली नॉर्म भी है, ये भी रूरल एरियाज का फिनोमिनन है, और प्रो लाइफ सेंटिमेंट्स है विच इंटेल दैट द मोर नंबर ऑफ फीमेल्स आर बॉर्न, सो दिस इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज मोर। उसके बाद कुछ इश्यूज तो है इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जो मेल है दैट विल इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर फीमेल होगी तो प्रॉपर्टी स्प्लिट हो जाएगी और देन द फीमेल विल बी मैरिड टू अनदर फैमिली, ठीक है, सो प्रॉपर्टी जो है वो दूसरी फैमिली के पास चली जाएगी। देन यू हैव दिस फिनोमिनन ऑफ परपेचुएशन ऑफ फैमिली नेम, अगर फीमेल बॉर्न होगी शी विल बी मैरिड टू अनदर यू नो पर्सन, सो शी विल कैरी फॉरवर्ड हिज नेम, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नीड अ सन बिकॉज ही विल कैरी फॉरवर्ड योर फैमिली नेम। और उसके बाद जितने भी रिचुअल्स हैं especially in the Indian society, they are all in the name of the son. तो अगर आपके पास if you don't have a son, so your life is considered incomplete, right? उसके बाद patrilocality है because the son stays with the parents, ठीक है, all his life. That is one of the reasons. Dowry नहीं देनी पड़ेगी अगर females, you know, कम होंगी, ठीक है, सो दैट इज वाई दिस दिस प्रेफरेंस फॉर मेल्स, राइट। देन द सेंस दे आर परसीव्ड एज सोशल इंश्योरेंस अगेंस्ट ओल्ड एज, ठीक है, तभी ये माना जाता है कि ओल्ड एज में वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस एक्ट करेंगे, सो दैट इज वाई सन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि फीमेल्स के लिए हमारे देश में दे आर नॉट कंसिडर्ड सेफ, ठीक है, तो इसलिए भी सन्स को लेकर थोड़ी प्रेफरेंस, और ऐसे भी माना जाता है उनके लिए वर्क इन्वायरमेंट एनेबलिंग नहीं है, उनके लिए जॉब्स नहीं है, अगर है भी तो ग्लास सीलिंग है, तो इसलिए मेल्स आर प्रेफरेंस। सी दीज आर जेनरिक पॉइंट्स फॉर सन प्रेफरेंस, ठीक है, और जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किए थे वो बेसिकली मेटा प्रेफरेंस के ऊपर थे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखो अब बेसिकली जो सन मेटा प्रेफरेंस है, ठीक है, अब वो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि इट विल एक्चुअली लीड टू मोर नंबर ऑफ फीमेल्स, तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस नहीं हुई तो सेक्स रेशियो एक तरह से खराब नहीं होगी, बट डेट्रीमेंटल क्या है, फीमेल जो चिल्ड्रन है उनके जो रिसोर्सेज है वो कम डिवोट किए जाते हैं क्योंकि उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता बिकॉज दे आर नॉट प्रेफर्ड, राइट। सो बी इट हेल्थ, बी इट एजुकेशन, बी इट फूड, बी इट न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दैट इज कॉम्प्रोमाइज एज फार एज यू नो दैट इज कंसर्न। उसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी आर स्टिक व्हेन यू डोंट इवन प्रेफर देम और गिव देम यू नो एडुकेट एजुकेशन, ठीक है, एडुकेट न्यूट्रिशन, सो दे कैन नॉट एक्चुअली यू नो बी इम्पार्ट इनफ टू टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स, ठीक है, एंड दे कैन नॉट एक्चुअली दे कैन नॉट बी अ फिनोमिनन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद जेनरिक कॉन्सिक्वेंसेज लाइक पॉपुलेशन, पॉवर्टी एटसेट्रा, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो सर्वे ने बोला है कि इसको कन्फ्रंट करो कि वी हैव दिस सोसाइटल प्रेफरेंस फॉर मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एट द सेम टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इन्हांस्ड मेटर्निटी लीव, ठीक है, मैंडेटरी क्रेचेस इन वर्कप्लेस, दे आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम If we want to embrace, ठीक है, gender equality, we need to have a stronger commitment on the gender front, similar to what the government had for ease of doing business and which actually resulted in, you know, improving the rank of the country in the ease of doing business index, ठीक है, so that's all for today, thank you so much.